नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको 9 अप्रैल के पंचांग के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आज जिनका भी जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपकी लंबी उम्र हो, भगवान आपको बहुत तरक्की दे, आप स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें अपने परिवार के साथ। और आज जिनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है उनकी भगवान गौरी शंकर और सीताराम की तरह जोड़ी बनी रहे। भगवान करे आप दोनों की लंबी उम्र हो और आपके परिवार में खुशहाली बनी रहे। आइए शुरू करते हैं। पंचांग में मुख्य रूप से 5 विशेषताएं शामिल होती हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण। विक्रम संवत 2080 9 अप्रैल 2023 वार है रविवार, माह चैत्र मास और पक्ष कृष्ण पक्ष। तिथि है तृतीया तिथि 9:35 प्रातः तक, उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र 2 बजे दोपहर तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। योग है सिद्धि 10:14 रात तक, उसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। करण है वृष्टि लगी है 9:35 प्रातः तक, उसके बाद बव करण शुरू होगा 9:09 रात तक, उसके बाद बालव करण शुरू होगा। व्रत त्यौहार की बात कर लें तो आज विकट संकष्टी चतुर्थी है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्री गणेश जी के लिए रखा जाता है। चंद्र राशि है तुला 8:02 प्रातः तक, सूर्य राशि है मीन, दिशा शूल है पश्चिम। अब सूर्योदय एवं चंद्रोदय की बात करते हैं। सूर्योदय है सुबह 6:03 प्रातः, सूर्यास्त है 6:43 शाम को, चंद्रोदय है 10:02 रात को और चंद्रास्त है 7:50 प्रातः। अब शुभ समय की बात कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:32 से 5:17 प्रातः, संध्या है 4:55 प्रातः से 6:03। अभिजीत मुहूर्त है 11:58 सुबह से 12:48 दोपहर तक। विजय मुहूर्त है 2:30 से 3:20 दोपहर को। गोधली मुहूर्त है 6:42 से 7:05 शाम को। सायं संध्या है 6:43 शाम से 7:51। अमृत काल है 3:25 प्रातः 10 अप्रैल से 4:59 प्रातः 10 अप्रैल तक। निश्चित मुहूर्त है 12:00 रात से 12:45 प्रातः 10 अप्रैल तक। अब अशुभ समय की बात कर लेते हैं। राहु काल है 5:08 शाम से 6:43 तक। राहु काल एक ऐसी अवधि है जिसमें कोई भी नया व शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय में किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता। यमगंड है 12:23 दोपहर से 1:58 तक। भद्रा लगी हुई है, भद्रा है 6:03 प्रातः से 9:35 प्रातः तक। अब चौघड़िया की बात कर लेते हैं। दिन का चौघड़िया लाभ है 9:14 प्रातः से 10:48 तक। इसमें कोई भी नया व्यवसाय व शिक्षा जैसे कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अमृत है, अमृत में वार बेला लगी हुई है जो कि शुभ नहीं होता। वैसे इसमें आप सभी प्रकार के कार्य और विशेष रूप से दूध संबंधी कार्य कर सकते हैं। शुभ है 1:56 दोपहर से 3:30 तक। इसमें विवाह, धार्मिक, शिक्षा जैसे कार्य आप शुरू कर सकते हैं। चर है 7:39 प्रातः से 9:14 प्रातः तक। इसमें आप यात्रा, सौंदर्य, नृत्य व सांस्कृतिक जैसे कार्य आप कर सकते हैं। अब रात के चौघड़िया की बात करते हैं। शुभ है 6:38 शाम से 8:04 तक। अमृत है 8:04 रात से 9:30 तक। चर है 9:30 रात से 10:55 तक। लाभ है 1:47 से 3:13 प्रातः 10 अप्रैल तक। तो ये दोस्तों, ये मैंने आपको 9 अप्रैल के पंचांग के बारे में बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियोज़ हम लोग अपलोड करें वो तुरंत आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय माता दी।